बब्बा दिखाओ एक वीडियो में तुम्हें सांप दिखाऊंगा, सांप एकदम फन की तरह मारना है। नहीं अब जो है उसे नहीं मारने की जरूरत पड़ रही, अब तो कुछ और ही मारने की जरूरत पड़ेगी भाई। मार ले हाँ सर, फन मारने की जरूरत नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो आवे फन मारे, ऐसा अब कुछ नहीं है। अब देखो आपने पूछा कि आप जंगलों में अंकल जी क्या करते हो, तो हम जंगलों में क्या करते हैं, हम तो सिर्फ जंगलों में भगवान को याद करते हैं और कुछ नहीं करते। लड़के ने पूछा कि अंकल जी आप आम भी तोड़ लेते होगे, जैसे बाग में घूमने के लिए हमारे जाते हो तो आम भी तोड़ लेते होगे। दूसरे लड़के ने कहा कि अंकल जी ने आज तक आम उठाया ही नहीं है, तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए जो भी परम प्रिय भक्त होते हैं, देखो भगवान उन्हें हमेशा भिखारी बना के रखते हैं। अपना भी दिखा लिया, अपना भी दिखा लिया, अपना भी दिखा लो पहले, अपना भी चेक कर ले। हाँ ये हकीकत बात है ये। हाँ ये हकीकत बात है। हाँ तो बस कोई बात नहीं, अंकल जी ने ना कदी आम उठाया ना नू पुच्छी खा लू ना कदी आके तोड़े हम भी। देखो इसीलिए हम किसी भी जंगल में चले जाते हैं, किसी भी जंगल में किसी के खेत क्यार पे हम कहीं भी बैठ जाते हैं, तो हमने कहा किसी वजह से हम आपके खेत क्यार पर बैठे हैं, ट्वेल पे बैठे, आंखें बंद करके बैठे, भगवान को याद कर रहे हैं। यदि कोई भी हमें देख लेता है तो दो गज पीछे हट जाए परंतु आवाज ना लगाए। क्यों? इसका महत्व ये है कि हम भगवान को ध्यान कर रहे हैं। जो हमारे अंदर सांस है वो हम संसार के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। बेटे ध्यान दे, देखो अभी कैमरा भी बंद हो गया। जो हम ये सांस ले रहे हैं इसका समय भी तीज जो कर रहे आप लोगों के साथ में कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल जवाब दे रहे हैं, आपको सही सही मशवरा दे रहे हैं। देखो कैमरा सीधा रखो, कैमरा इधर सही है, बिल्कुल सही है। हाँ हल्का से, तो ये जो हम बताते हैं, हमने कहा कि सबका मालिक एक है, गाड़ियों पे लिखा आता है। बेटे सही पकड़ लेना, यदि मोबाइल गिर गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसके सहारे से आप लोगों के पास तक पहुंच रहा हूँ यूट्यूब पर, ताकि दुनिया पूरे संसार में खबर चल रही है इस सच्चे भारत वीर की, जिसका नाम आंखों देखाल है। तो हमने कहा कि सबका मालिक एक है, गाड़ियों पे लिखा आता है, हर जगह जगह लिखा आता है, लेकिन आगे पीछे का किसने रास्ता बताया? क्योंकि जब पता नहीं तो बताएगा कौन। और हमने कहा कि सबका मालिक एक है, ये वास्तव में हकीकत बात है। सबका मालिक एक है, उसकी है संतान, और जब को सबको एक ही रहना है जब तक है जान में जान। भारतवीर जी का कहना है सदा सुखी रहना है, दो किसी को ना बताया ना किसी को दो बताना है। इसीलिए सच्चाई की तरफ चलो, लड़ाई दंगे की तरफ मत चलो। दोस्तों बातों पे अमल करोगे, गौर फरमाओगे तो शायद आपके जिंदगी में कामयाबी दिलाएंगे। ये शब्द ये वचन ये ऐसे नहीं मिल रही, इतनी आसानी से आपको मिल रही है। ये कीमत बड़ी अनमोल है, यानी कि जो सांस निकल के जा रही है बड़ी अनमोल जा रही है, लेकिन उसी सांस पे आप सब लोगों का नाम लिखा। मैं आप लोगों के पास में बार बार बधाई देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आपको यूट्यूब पर मिल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग वीडियो कॉलिंग पर भी बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है बात करने के बावजूद कि भाई हाँ एक सच्चे इंसान से बात हो रही है। परंतु दोस्तों बात तो करें लेकिन रात्रि के समय करें, क्योंकि पूरे दिन जो हम वीडियो ट्रांसफर करने के लिए बनाने के लिए तैयारी पे लगे रहते हैं। वो कहा ना कि दिन के सीन भेजू, मैं दिन के सीन भेजता हूँ, दिन ही दिन में देख लो, रात का ना मैं बताऊंगा, नजर उठा के ना देख लो, उसके लिए नजर छुपा लो और इसके लिए नजर उठा लो। इसीलिए कहा है जय हिंद जय भारत।